के जितनी इनकी एज है तो उनसे ज्यादा जो नौजवान है वो इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। पारेख साहब अभी इस डिस्ट्रिक्ट की प्रभारी और प्रदेश के मंत्री शकुंतला जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और सभी मंच पर बैठे लीडर साहबान सत्कार जो मेरे भाई और बहन, आज मेरे को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है। एक बार एमएलए साहब ने उनने भी कहा, मानव सिंह जी ने, कि आप छाया में आकर बैठ जाओ। जो किसान है वो देश के लिए ना गर्मी देखता है ना धूप देखता है, वो जहां लड़ाई लड़ने वहीं खड़ा रहता है। आज हिंदुस्तान अगर खड़ा है तो जो धूप में खड़े हैं इनकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान है। जुमलेबाजी करके भाषण देकर कोई पार्टी एक बार तो सरकार बना सकती है, दूसरी बार नहीं बनती। जात के लिए किसान को हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। जो बीजेपी की सरकार है इसको पूछे कि किसान का आज तक किया क्या। दिल्ली में एक साल से ऊपर किसानों को गर्मी, बारिश और सर्दी में वहां इनको रखा और पीटा और बेइज्जत किया। जब आप लोग पगड़ी पहनाते हैं, पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमें पक्की पगड़ी दी कि इसकी लाज रखो, इसकी इज्जत करना। तो जब आप पगड़ी देते हो हमारा फर्ज बनता है कि आपका सब निशानी होना चाहिए, आपकी पगड़ी और ऊपर उठकर जाए। मैं पहली बार, क्योंकि मेरा पिछोकड़ जो है, मेरे ग्रैंड फादर बूंदी डिस्ट्रिक्ट में आए, जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो वो वापस पंजाब में चले। तो देखिए कहां भी चले जाओ पर जो खून होता है वो वहां का भी बोलता है और जब हम ठहरे वहां का भी बोलता है। जब आप लोगों को मैं देखता हूं और जो राजस्थान के काम देखता हूं, हमारे तो बहुत पंजाबियों की और राजस्थान की बहुत कोई ऐसी नहीं, हम भी सबके सारा दिन धूप में रहते हैं, खेतों में ही रहते हैं, बॉर्डर पर रहते हैं। अभी मैं और काजी साहब बात कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जब देश मांगने के लिए अनाज के लिए बाकी कंट्रियों में अमेरिका और रशिया के पास जाया करता था, उस टाइम एक नारा लगा था जय जवान जय किसान का। 62 की जब 62 की बार हुई चाइना के साथ, तो किसान भी उठकर खड़ा हो गया और हिंदुस्तान का जवान भी बॉर्डर पर खड़ा हो गया। उसके बाद दो लड़ाइयां आई पाकिस्तान के साथ, 65 और 72 वाली। 65 में जो 65 की लड़ाई हुई, पंजाब का जो वाघा बॉर्डर है वहां से लेकर हमें लाहौर के पास पहुंच गई थी हमारे जवान। तो जब 72 की बार आई, 72 की बार आई, लड़ाई आई, तो इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। उसके बाद पाकिस्तान की कभी जरूरत नहीं हुई जब वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा। हम कहते हैं दुष्कर्म मारेंगे, तब मेरा बिल्कुल, मेरा अपना गांव 5 किलोमीटर है, मेरा जो गांव है सेकंड डिफेंस लाइन है। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान के हर रोज ड्रोन आते हैं, असला नजाया जाता है, नशा आता है वहां से। मोदी साहब कब रुकोगे, कब पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? जहां जहां उनके बैठे हैं नशा बेचने वाले हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, उनके ऊपर कब अटैक होगा? डॉक्टर साहब, जो महंगाई राहत कम
आपने लगाए, ये सोनिया जी, राहुल जी और इंदिरा गांधी का एक नारा था, सबसे पहले गरीबी हटाओ। इतने साल बाद आप राजस्थान में आपकी सरकार वो काम कर रही है। ये कांग्रेस कभी गरीबों के जो काम है उनसे नहीं हटेगी। ये कहते कांग्रेस ने किया क्या? मैं बीजेपी की सरकार को पूछना चाहता हूं, हमने तो 70 साल राज करके हिंदुस्तान की तरक्की की, आप तो 7 साल 2000 का नोट नहीं करा सके, उसको फिर वापस ले लिया। कैसी सरकार है? ऐसे भाषण करना, स्टेज पर वो पढ़ना, ऐसे नहीं चलेगा। देश तो मजबूती के साथ चलता है। बिल्कुल मैं सुगंता जी को पता है कि मेरा अपना एरिया फिर बहुत दूर है आपसे, तो मेरे को हर वाली टेलीफोन आ जाता है, हमें खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं, किसी को बोल दीजिए वहां भीड़ बहुत है, जब जाके इतने खड़े साधु महात्मा आपके ऊपर कृपा है, कभी आप पीछे नहीं हट सकते, आप तरक्की करोगे बहुत तरक्की। मैं भी जब प्रभारी मान कराया था प्रदेश अपने डोटासरा जी, मैं पहले दिन खाटू श्याम जी के दर्शन करने गया था कि राजस्थान वालों का नहीं पूरे हिंदुस्तान को एक रास्ता दिखाया। मेरी बहनें बैठी हैं कि जो औरत होती है वो घर का श्रृंगार होती है। आज तक कभी बाप बेटे को लेकर, बच्चे को लेकर मंदिर गुरुद्वारा नहीं जाते, तो मां अच्छी शिक्षा देती है। वो कहती है कि चोरी के लिए खराब होगा, बर्बादी होगी। इनका सत्कार, जो मां का सत्कार नहीं करता वो कभी सुखी नहीं रह सकता, जो मां का सत्कार करता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। कांग्रेस सरकार ने आकर इनका आरक्षण भी किया, सरपंच भी हमने बनाए, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, अपनी पार्टी में टिकट भी देना जब आप पड़ेगा। महादेव जी, आपको आप केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, मेरे को स्टेज पर जाकर पता चला, सीएम साहब ने बताया कि उनकी टिकट काफी जाती है, मेरे को दुख बहुत था। एक गांधीवादी विचारधारा के